3 जून 1947 को ब्रिटेन ने सर साइरिल रैडक्लिफ को बाउंड्री कमीशन ऑफ पंजाब और बाउंड्री कमीशन ऑफ बंगाल का चेयरमैन अपॉइंट किया। इन दो कमीशंस का काम था पंजाब और बंगाल प्रोविंस का डिवीजन, जिससे इवेंचुअली इंडिया और पाकिस्तान के मॉडर्न बॉर्डर्स बनेंगे। इन कमीशंस में दो मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे और दो मेंबर्स मुस्लिम लीग के। किसी भी तरह की डेडलॉक सिचुएशन में रैडक्लिफ का डिसीजन फाइनल होगा। 5 हफ्ते इतना ही समय दिया गया था रैडक्लिफ को इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स ड्रॉ करने के लिए। रैडक्लिफ ने कहा कि इन ओल्ड मैप्स और इन एक्यूरेट सेंसस से इतने जल्दी इंडिया और पाकिस्तान के मैप्स बनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जिन्ना और नेहरू दोनों ने फोर्स किया कि किसी भी हालत में उनको ये काम 15 अगस्त के पहले ही करना पड़ेगा। 12 अगस्त को रैडक्लिफ ने ये मैप्स रेडी किए, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस के कारण ये मैप 17 अगस्त 1947 को ऑफिशियली रिलीज किए गए। इंडिया और पाकिस्तान बट चुके थे। रैडक्लिफ 15 अगस्त को ही इंग्लैंड चले गए और कभी वापस नहीं आए। उनको जो 3000 पाउंड्स की सैलरी मिलनी थी वो भी नहीं ली, और ऐसे हुई इतिहास की सबसे ब्लडी